हम मर जाएंगे मिट जाएंगे पर आर्डर रोएंगे को नहीं आने देंगे। हमारी जमीन है, केजरीवाल के बाप दादा की ना, ना गुलाब के बाप दादा की ना, और मैं गाल भी पक दूंगी। ठीक। मनीष ससोदिया कह रहा है सरकारी स्कूल को इंग्लिश स्कूल बनाऊंगा। स्कूल को तो बनाना स्थिति में गया, छावला लेके जा रहा है और रोहिंगा को बसा रहा है। उसकी यह चाल है, ये गांव बॉर्डर पे, वहां से बॉर्डर पे दिल्ली में घुसने के लिए कुछ टाइम नहीं लगेगा, लेकिन हम यहाँ नहीं बढ़ने देंगे उनको। बोट लेन रोज आवता भर भर गाड़ी, अरे कति नहीं आते, पूरा एक हफ्ता होगा कोई नहीं आता देखन भी। ये जमीन हमारे पूर्वजों की दी हुई है, ये सरकारी जमीन नहीं है, ये हमारे बच्चों के भविष्य के लिए हमारे पूर्वजों ने रखी थी, तो हम इसमें बाहर का कुछ भी नहीं आने देंगे। उनके पास इतनी प्रॉपर्टी है, वहाँ बसाओ, कॉलेज बनाओ, मस्जिद बनाओ और उनके घर बनाओ। विधायक के गांव में? हाँ, अपने गांव में, केजरीवाल और गुलाब सिंह मर जाएंगे मिट जाएंगे, यहाँ गलत काम नहीं होने देंगे। रोहिंगा की मदद कर रहा है तो अपनी प्रॉपर्टी खरीदे, वहाँ पर बसाए, दूसरे के स्कूल में क्यों आके घुस रहा है? वे किस लिए बसाते हैं? अपनी वोटों के लिए, अपने अपने खान ताई। अरे हम खान ना दे, हम अलग मादेगा काट देंगे। सरकारी चीजें बनो, कुछ भी, मोहल्ला क्लिनिक बनो, अकेडमी बनो, आप वृद्धाश्रम बना, रोहिंगा के लिए नहीं है, हमारी पूर्वजों की है, दादा लाई किसी की ना भाई। हमने वोट दी ना, पहला उन्हें मार्शल लालच दिया फ्री टिकट, 200 रीडिंग फ्री, ये वो आड़ नु सोची फ्री का ये खारिया बोल रहा कौन है, और आड़ कब्जा कर देंगे। क्षेत्र के अंदर मुस्लिमों की आबादी है? एक भी नहीं आबादी है? नहीं नहीं, एक भी नहीं है आबादी। आप क्या बने? नहीं नहीं नहीं, हिंदू है सब, यहाँ सब हिंदू ही रहते हैं। बिल्कुल हिंदू है, लोग यहाँ से हटेंगे नहीं है। नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, बिल्कुल नहीं हटेंगे। रानी लक्ष्मीबाई एक थी, हम इतनी है, नहीं हटेंगे। केजरीवाल की एक दवाई, जूता चप्पल और मिठाई। केजरीवाल की एक दवाई, जूता चप्पल और मिठाई। भारत माता की जय। भारत माता की जय। नमस्कार, मैं ऋषभ अवस्थी, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ हिंदी। हम इससे मौजूद है दिल्ली के बॉर्डर पर बसे हुए एक गांव में। लगातार आपने देखा होगा कि जिस तरीके से शाहीन बाग में एक आंदोलन चला था, उसको लेकर के पूरे 56 देश जो हैं वो एकजुट थे और कह रहे थे महिलाओं के अधिकार के लिए, जो मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए आवाज उठानी चाहिए, सरकार को कदम उठाने चाहिए। लेकिन दिल्ली के इस क्षेत्र की महिलाएं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए पिछले एक हफ्ते से यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। ना कोई मीडिया कवरेज यहाँ पर है और ना ही किसी सरकार को जो है इनकी खबर लेने के लिए यहाँ पर पहुंची है। इन तमाम लोगों का जो कसूर है वो सिर्फ इतना है कि ये सब हिंदू हैं, ऐसा इनका दावा है। लेकिन इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इन लोग ये भारी प्रदर्शन जो है वो क्यों कर रहे हैं, क्या इनकी मांग है। आप हमारे साथ बने रहिए, ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। क्या बात है, 60 साल से हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने रिक्वेस्ट डाल के ये स्कूल खुलवाया ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख के कुछ आगे बढ़े, मगर केजरीवाल ने क्या किया, पीछे से घात कर रहा है, लागे लाके मुसलमानों को, चाहे कोई भी हो, उग्रवादी हो, उनको बसाने की कोशिश कर रहा है, अब ताकि चारों तरफ हाय हाय मच जाए, तबाही मच जाए। घुसपैठियों को अपने देश में भी घुसने दे रहे हैं और गांव में, अब गांव में शुरुआत कर दी है, मगर हम ये हरगिज नहीं होने देंगे, हम अपना हिस्सा बिल्कुल नहीं देंगे। यहाँ पर आपके गांव के तमाम जो बच्चियाँ हैं, लड़के बच्चे सब यहाँ पे पढ़ने जाते हैं इसी स्कूल में? हाँ, इसी स्कूल में आते हैं, कहाँ जाएंगे वे बच्चे ये बताओ, कहाँ जाएंगे? पास में एक स्कूल है दूसरा, जहाँ पर 12वीं तक के भेजा जाए, वहाँ बिल्कुल दाखिला नहीं लेते, बच्चों को खदेड़ देते। हमारी बच्चियाँ 10 पढ़ के घर पे बैठ जाती है, कहाँ से उन्नति करेंगी वे लड़कियाँ? एडमिशन नहीं मिलता हमें दूसरे स्कूलों में, ना छावले के स्कूल में मिलता, ना कांगन एड के स्कूल में, वे लड़कियाँ घर में ही बैठ जाती है, दुखी होके मन को अपने को दाब के लड़की वहीं की वहीं रह जाती है। लड़के भी ऐसे ही है बेचारे, किसी की नई गुंजाइश है, नहीं दाखिला लेते तो बच्चे कहाँ से, क्यों दूर गाँव में भेजेंगे? तो हमें ये रहती है और कहीं हमारे बच्चों को कहीं कोई अगवा कर ले जाए, कहीं कोई घटना हो जाए तो ये योजना या इस प्रोजेक्ट के जरिए जो गाँव के बच्चे हैं उनको पढ़ाई से मतलब दूर किया जा रहा है, दूर किया जा रहा है। और बिल्कुल ये तो करने से गए यहाँ अच्छे खेल परिसर खुले और 12वीं क्लास तक का स्कूल खुले, और उनको छीन रहे हैं, उनकी शिक्षा को वो कम कर रहे हैं, तो उनको शर्म नहीं आती? केजरीवाल को भी ये सोचना चाहिए हमारे इलाके में और उन्नत होना चाहिए, मगर उन्होंने एकदम से इतना बुरा काम किया है कि हमारे बच्चों की जो संस्कृत यानी विद्या को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों का ये दावा है कि यहाँ पर जो है जो बच्चे फुटपाथ पर रहते हैं स्ट्रीट चाइल्ड से, उनके लिए जो है व्यवस्था की जाएगी, उनके लिए क्या जाएगा? तो अगर गाँव डर जाए, हम क्या काट देंगे उन्हें,
अरे तुम खुद मारे बच्चे रहे, हमको अनाथ है, हम अनाथ है। ये शिक्षा अगर कोई देवे अपनी मर्जी तो देवे, किसी तो पूछ कर दान में कुछ दी जा हुआ मंजूर हो अगर अगर जबरदस्ती खोसा करे, हम नहीं खोसने देंगे। अरे नहीं मियाँ बटन दे, क्यों उसकी याद चाल है ये गांव बॉर्डर पे, वहाँ से बॉर्डर पर दिल्ली में घुसने के लिए कुछ टाइम नहीं लगेगा, लेकिन हम यार नहीं बढ़ने देंगे उनको। तो हाँ, अपने अपने गांव के जो बच्चे हैं इनके बच्चों की शिक्षा छीन करके बाहर के लोगों के यहाँ बसे, जो कि शिक्षा छीन के हमको सुनने ये आता, ये स्कूल तोड़ के कांगनेड़ी भेजा जाएगा, यहाँ से 5 किलोमीटर नहीं बस की सुविधा है, किसी के पास व्हीकल है ना, है कोई पापा नौकरी पर जाए, भाई है ना, वे लड़कियाँ कहाँ जाएंगी? अगर उसने करना है तो 12वीं तक करो, है डॉक्टरी का करो, बच्चा बच्चा का करो, कोई सरकारी और कोई करो, कोई भी सरकारी काम कर दो, लेकिन हम रोंग ये वाला काम नहीं होने देंगे। हमारी जमीन है केजरीवाल के बाप दादा की ना, ना गुलाब के बाप दादा की ना, और मैं गाल भी पक दूंगी, ठीक है, इबे मैं चुप हूँ, ठीक है ना, लेकिन हम उनको यहाँ नहीं आने देंगे बिल्कुल भी। हाँ, वगैरह गांव के जो लोग हैं उन जब वो कहते हैं कि अब दिल्ली सरकार कोई फैसला लेती है, जो आम आदमी की सरकार है, वो लोगों से हमेशा बात करके पूछ करके काम करती है, ऐसा कुछ हुआ है यहाँ पर? से कुछ नहीं हुआ, जब हमको सुना कि गांव में सुबह उद्घाटन के लिए केजरीवाल आव है, गुलाब सिंह आव है, रात रात में कुर्सी डलवा दी उसने अंदर उद्घाटन था ही, जब हमको पता लग गया हम उसी दिन से वही हैं, ठीक है ना, लेकिन पुलिस भी आपको हो गए यहाँ पर बैठे, पर एक हफ्ता हो गया है, एक हफ्ता हो गया हमें यहाँ, इतवार से पता चलने के बाद फिर कोई नहीं आया, चोरी छुपे से यहाँ पर ये बोला गया कि रोहिंगा को बसाएंगे, रोहिंगा को क्यों बसाएंगे, यहाँ से बच्चे हैं वो कहाँ पर जाएंगे, जो बच्चों की शिक्षा हमारे 10 से लेकर 12वीं तक तो करी नहीं गई, रोहिंगा को बसाएंगे, क्यों बसाने के लिए कहा गया, और कहा गया तो पहले गाँव वालों को कहा क्यों नहीं गया, अगर पूछी होती तो गाँव वाले अपनी परमिशन से बोलते, बिना परमिशन को किसी को नहीं घुसने दिया। 7 से 10 दिन लगभग आपको हो गए यहाँ पर बैठे हुए, तो आपको भी बीच में कोई मिलने के लिए, कोई आश्वासन देने के लिए, कोई विधायक आदमी हो गए भी फोन नहीं उठाते हुए, हमारे जो जो यहाँ के हाथ जोड़ कर पैर छुए थे छोटे छोटे बच्चा के भी, माता जी वोट दे नहीं आते, मैंने तो अपने 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 स्थान पे ऑफिस पे कोई नहीं है और ना फोन उठा रहा है, केजरीवाल जी के भी ऑफिस ऑफिस में गए, गुजरात जा रहे आम आदमी वाले, ये वोट उड़े इलेक्शन हो रहे हैं, गुजरात जा रहे, वोट आपने गुजरात के लिए दिया था, किसका, हमने क्यों दिया, हमने तो यहाँ का दिया, हमारे काम करो, हमारे गांव में कराई क्या, बस है बस बंद, जो क्षेत्र है इस क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा वोट जो है आम आदमी पार्टी को दिया गया, समर्थन दिया गया, उसके बावजूद भी कोई नहीं आता जी, कोई नहीं आता, नहीं था कि आम पार्टी ये काम करेगी, चोरी छुपे से रोहिंगा को बसाएंगे, ये पता था आम जनता की परेशानियों को देख के अपनी कुछ करेंगे, वैसे तो MLA आता नहीं है ना नगेड़ी में, कभी भी नहीं आता, अब उसको ये कहा गया केजरीवाल कैसे आ गया, जब तो वो घर पे ऑफिस में कहीं भी नहीं है, ना फोन उठा रहा, ना कोई चिट्ठी का मैसेज, ईमेल का, किससे कभी नहीं दे रहा, पता है कि आप लोग यहाँ बैठे हैं, उसके पता है पर आ नहीं रहा, पता है आ नहीं रहा, जानबूझ के नहीं आ रहा, जान का ना आ रहे, वे चोर है इसलिए नहीं आ रहे, उनके पास इतनी प्रॉपर्टी है, वहाँ बसाओ, कॉलेज बनाओ, मस्जिद बनाओ और उनके घर बनाओ, विधायक के गांव में, हाँ, अपने गांव में, केजरीवाल और गुलाब सिंह, केजरीवाल गरीबों की, रोहिंगा की, मर जाएंगे मिट जाएंगे, यहाँ गलत काम नहीं होने देंगे, रोहिंगा की मदद कर रहा है तो अपनी प्रॉपर्टी खरीदे वहाँ पर बसाए, दूसरे के स्कूल में क्यों आके घुस रहा है, अपनी प्रॉपर्टी खरीदे, दिल्ली सरकार ऐसे नहीं देंगे किसी को भी, ये हमारी है, वैसे खोलो कुछ भी सरकारी यहाँ पर, ना तो आपका ये मेडिकल होम है, ना ये एकेडमी है, कुछ भी नहीं है, 5 गांवों में यही है कि दूर जाना पड़ता है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, हमारी है जो स्कूल के आसपास जिस जमीन पर बात हो रही है बनाने की, ये लोग भी गांव की जमीन है, गांव की है, गांव में दान में दे रहा की शिक्षा के लिए, यानी कि किसी के कब्जे के लिए, छोड़े ये हमारा गाँव एक छोटा सा है, इसमें हम बहुत खुश हैं, साफ सुथरा, हमने गंदगी कभी नहीं चाहिए यार, आपने जब जमीन बोल रहे जैसे गांव में, गांव की जमीन जो दान में दी थी वो बच्चों की पढ़ाई के लिए दी थी, पढ़ाई के लिए दी थी, यानी कि हमने नूर दी थी मैं ले आऊंगे यहाँ हमारे से खुद जबरदस्ती खोज के और किसी को बसाएंगे, वे किस लिए बसाते हैं, अपने वोटों के लिए, अपने अपने खान ताई, अरे हम खान ना देवे, हम अलग मार देगा काट देंगे,
सरकारी चीजें बनो, कुछ भी, मोहल्ला क्लिनिक बनो, एकेडमी बनो, आप वृद्धाश्रम बना, रोहिंगा के लिए नहीं है, हमारी पूर्वजों की है, दादा लाई किसी की ना भाई। मैम जिस तरीके से पहले आपने देखा होगा आपके ही जो क्षेत्र है इसके आसपास में एक हज हाउस जो है उसको निर्माण करने की बात कही थी, लेकिन गांव के लोगों ने मिलकर के एकजुट होकर के 36 गांव के जो बिरादरी के लोग हैं सब मिलकर के एकजुट आए थे और हज हाउस उनको वापस लेना पड़ा और हज हाउस का निर्माण रुक गया, तो वैसे ही आप मांग कर रहे हैं यहाँ पे भी रोहिंग्याओं को किस तरह? हाँ जी, नहीं पूछने देंगे, देंगे बिल्कुल नहीं आने देंगे, बिल्कुल साल पुराना स्कूल है ये और नहीं टूटने देंगे, तो हुआ नहीं, और ये स्कूल को दसवीं को तोड़ के छावला पहुंचा रहे हैं जहाँ पर बहन बेटी हुई बेटा हुआ कोई शिक्षा नहीं है, छोटे बच्चों की भी शिक्षा यहाँ से छीन जा रही है, दसवीं तक है उसके अलावा ना, तो गरीब आदमी भी है ये बाहर से जैसे लेवर के आते भी आ रही है ऐसे बोलते नहीं है लेकिन आते हैं, जो उनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं हमको उनसे कोई इतराज नहीं है, लेकिन जो रोहिंग्या को लेके बसाएंगे हमको बिल्कुल इतराज हम नहीं होने देंगे। बार बार कह रहे हैं कि रोहिंग्याओं को बसाने की कोशिश, तो मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार या केजरीवाल है उनको रोहिंग्याओं से या मुसलमानों से इतना प्यार क्यों है? वोट 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 के लिए अपना पेट भरनता ही, उनका इतना बड़ा पेट हो गया खा खा कर और ना खान दा उनकी 5,000 वोट न्यू बरसा होगा तो वोट देते है ना उनको, फिर हमने वोट दी ना पहला उन्हें मार्शल लाल दिया फ्री टिकट 200 रीडिंग फ्री, ये वो आड़ नु सोची फ्री का ये खारिया बोल रहे कौन है और आड़ कब्जा कर देंगे, हम नहीं कर देंगे। बस से आपके गांव में आसानी से आती जाती है सब? बस बहुत कम, जैसा हमारा गांव बैठे 3-3 घंटे बैठे, सबसे खस्ता हालत है हमारे गांव की, जैसे क्षेत्र है हम खुश है, बस आ रही है जब भी खुश है, पर रोहिंग्या को लाके खुश नहीं है। मनीष ससोदिया लड़कियां दूर जा है, 2 बजे छुट्टी हो, 4 बजे लड़की स्कूल में हुई तो ना कौन देखेगा उनको, है जी कुछ कोई भी नहीं सुविधा है भाई, लड़कियां की बस भी हटवा दीजिए, सुविधा नहीं चाहिए जो हमने ये कट्टर पंथी यहाँ नहीं चाहिए, स्कूल हमारी बच्चियां जाती स्कूल से बस हटा दिए हमारी बच्चियां ही उसमें बैठ के जावे स्कूल में। एक 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 सवाल सुनिए, जो हमारे यहाँ 10वीं क्लास का स्कूल था डिक्लेयर कर दिया था कि 10वीं क्लास तक यहाँ पढ़ाओ, 2 क्लास आगे पढ़ाओ, कोई बात नहीं ये भी मान गए थे हम, चलो कोई बच्चे पढ़ेंगे, फिर गाड़ी की सुविधा नहीं थी, वो गाड़ी लगवाई तो अब गाड़ी फिर हटवा दी उन्होंने, बताओ क्या किया जाए, फिर तो इससे अच्छा हमारा 12वीं क्लास का स्कूल भी बनना चाहिए, हमारी मांग ये है हमारे स्कूल भी बने, स्कूल हो हमारा जच्चा बच्चा का या कुछ भी बनवा दो या सेंटर का कोई बालका का खेलन का बनवा दो, हमारी जमीन पर हमारे लिए कुछ भी बनवा दो। एक सवाल आप लोगों से पूछना है कि लगातार जब भी पूरे राज्य में कभी भी कोई योजना बनती है तो उसमें यह ध्यान में रखा जाता है कि उस ग्रामीण क्षेत्र में आबादी किसकी है और कैसी जरूरतें हैं, तो क्या इस क्षेत्र के अंदर मुस्लिमों की आबादी है? एक भी नहीं आबादी है, नहीं नहीं एक भी नहीं है आबादी, आपके यहाँ पे नहीं? नहीं 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 है, हिंदू है, यहाँ सब हिंदू ही रहते हैं, बिल्कुल हिंदू है, उसके बाद भी रोहिंग्या आज जो हिंदू रहेंगे हम तक किसना बनते हैं लेता क्या है हमारा, अभी वोटो का मारा ले रहा है, घर तो पड़ रहा है, हमने पड़ा रखे अभी माँ बाप अपनी कीमती वोट किसी को भी नहीं दे, अगर ऐसा चलता रहा था। एक बात बताऊँ, मनीष ससोदिया कह रहा है सरकारी स्कूल को इंग्लिश स्कूल बनाऊंगा, स्कूल को तो बनाना स्थिति में गया, छावला लेके जा रहा है और रोहिंग्या को बसा रहा है, मनीष ससोदिया को बुला के देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वर्ल्ड क्लास लेवल का है और पूरी दुनिया जो है वो पसंद कर रही है, मनीष ससोदिया का नहीं नहीं मनीष ससोदिया शिक्षा मंत्री है वो हिंदी स्कूल को कह रहा है मैं इंग्लिश स्कूल बनाऊंगा, इस स्कूल के लिए क्या है केजरीवाल के दिमाग में, उसे बुला के लाओ दोनों को, अपनी स्पीच पे देखो क्या कह रहे हो आप, वो कुछ कह रहा है और तुम्हारा मुख्यमंत्री कुछ कर रहा है वो भी पीछे से, और गांव के लोग जो हैं अब ये समझ गए हैं जो इस तरीके की राजनीति बैक से, हाँ जी उसकी राजनीति नहीं चलने देंगे, जब तक प्राण है ना जब तक नहीं चलने देंगे, हम मर जाएंगे मिट जाएंगे पर आड़े रोएंगे को नहीं आने देंगे। एक चीज आप देखो, लगातार आप टीवी अगर घर में देखते होंगे कहीं कुछ है, तो जब शाहीन बाग में आंदोलन चल रहा था तो टैंकर लगा रखे थे आम आदमी पार्टी ने पार्टी में वहां पर मुसलमानों के लिए, वहां पर खाने की व्यवस्था और तमाम जो चीजें सुविधाएं पहुंच रही थी, और जब यहाँ और उनके नेता जो है वो भी खुले मंच से कहते थे कि हम इन महिलाओं के साथ हैं, महिलाओं के जो आम आदमी पार्टी समझती है, पर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ कहीं कर हमने ना चाहिए किएगा कुछ भी, एमएलए नहीं आया, एमएलए नहीं आया, पड़े कोई बुजन भी ना आया, और पहले रोज आवा था वोट लेन, रोज आवा था भर भर गाड़ी, और अब कती नहीं आते, पूरा एक हफ्ता होगा कोई नहीं आता देखन भी, वोटिंग के टाइम पर आपके यहाँ पे गांव में पूरी गाड़ियाँ की लाइन भरी भरी,
और ईब को हमने एक हफ्ता होगा देखन भी ना आता कटी। वोट के टाइम पर आपके गांव में पूरा टम्पू भर भर टम्पू लेडी सब अपनी मां ने बिठा लिया हुआ है, किराए पर भी लिया हुआ है, पाँच सौ रुपया दे के और उन्हें वोट आता ही मांग लिया हुआ है, ठीक है ना। हाँ बहुत ज्यादा आवत है जी, आप नहीं आता बिल्कुल, फोन नहीं उठा रहा। तमाम जो क्षेत्र के लोग हैं उन सबकी मिला जुला करके जो मांग है एक वो है कि इस स्कूल जो है ये बंद नहीं होना चाहिए और यहाँ पर जो है रोहिंग्या हो या किसी तरह के स्ट्रीट चाइल्ड्स को हम यहाँ नहीं बसने देंगे। हमारा देहात का है ना, हमारा देहात का जैसा कर दो बस, बस हमारे देहात के अंडर में जो सरकारी व्यवस्था है ये आपके ये नर्सिंग ये स्कूल स्कूल को बढ़ाओ और ये नाम है सरकारी, ये सरकारी आपके क्लिनिक खोलो, डिस्पेंसरी वगैरह, मोहल्ला क्लिनिक हुआ, एकेडमी हुई, वो तो इसी तेसी में गया। पर मैं ये कह रही हूँ दोनों ही एक ही पार्टी के अलग अलग स्पीच क्यों बोल रहे हो, दोनों आओ ना साथ में। अच्छा ये बताइएगा अपना नाम बताइए। सुमित्रा। अच्छा ये बताइएगा कि यहाँ पर जो है वो मुख्य मांग आप लोगों की जो है वो है कि यहाँ पर चाहे आप सरकारी कोई भी योजना ले आओ लेकिन बाहर के लोगों को नहीं बसा, नहीं बसाना है और बसाने भी नहीं देंगे, क्योंकि ये जमीन हमारे पूर्वजों की दी हुई है, ये सरकारी जमीन नहीं है, ये हमारे बच्चों के भविष्य के लिए हमारे पूर्वजों ने रखी थी, तो हम इसमें बाहर का कुछ भी नहीं आने देंगे चाहे जो जाए। सरकारी योजना है आना ही पड़ेगा, बनाते हैं तो फिर ऐसे कैसे कैसे सरकारी योजना तो है, तैयार हैं कभी नहीं देंगे। जमीन हमारे गाँव की है, जमीन सरकारी नहीं है, सरकारी जमीन है, जो जमीन हमने दे रखी थी, जो जमीन हमने दे रखी थी हमारे पूर्वजों ने, हमसे पूछा क्यों नहीं, अपने आप रोहिंगा को कैसे ले आया पहले पूछो। हो जाए आप लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, नहीं हटेंगे बिल्कुल नहीं हटेंगे। रानी लक्ष्मी बाई एक थी, हम इतनी है, नहीं हटेंगे, एकजुट है हम, एक नहीं लगभग यहाँ के 17-18 गाँव है, सब एकजुट है जो की आज लगातार तमाम महिलाओं से बात करने की कोशिश कर रहे थे। इन सभी का यही कहना है कि अगर इस गांव में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग कोई भी योजना लाए समस्या नहीं है, पर बाहर के लोगों को अगर बसाने की बात कही जाएगी तो पूरा गांव एकजुट है और महिलाएं जो है वो सबसे आगे खड़े होकर के विरोध करेंगी और लगातार अपना विरोध जो दर्ज कराती रहेंगी। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी, धन्यवाद, जय हिंद।